Assalamu alaikum, my name is Usman Khalid. I am the student of class 10th and I study in Han Academy. Aaj hum class 10th ke exercise 2.2 ke question number 5 ke 5th juz se 8th juz tak hal karenge. Ab main question number 2 ka part number 5 board pe likhta hu. अब इसे हल करने के लिए भी हमें दो फॉर्मूलों की जरूरत है जो मैं साइड पर लिख रहा हूं. लिख रहा हूं अभी हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे. अब इसकी जगह हमने इसमें से ये रकम निकालनी है. अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 ओमेगा हो जाएगा और -1 प्लस अंडर रूट -3. अब ये वैल्यू इस वैल्यू से मिलती जुलती है, बिल्कुल सेम है. अब हम इस वैल्यू की जगह 2 ओमेगा भी लिख सकते हैं. और अब इस वैल्यू के लिए हमें इस फॉर्मूले से निकालनी है. ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और -1 माइनस अंडर रूट -3 हो जाएगा. अब ये वैल्यू इस वैल्यू से बिल्कुल सेम है. अब हम इस वैल्यू की जगह 2 ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं. अब जो 6 पावर है हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो की पावर 6 हो जाएगी और ओमेगा की पावर 6 हो जाएगी. प्लस वैसे का वैसा नीचे आ जाएगा. अब 2 की पावर 6 वैसे की 2 की पावर 6 हो जाएगी और ओमेगा की पावर 2 6 12 हो जाएगी. अब 2 की पावर 6 इन दोनों में आ रहा है, दरमियान में प्लस माइनस हो तो हम कॉमन लेते हैं. अब ये कॉमन वैसे का वैसा नीचे आ गया. अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1. अब हमने इधर ओमेगा क्यूब लगाना है. 3 2 6 प्लस ओमेगा 3 4 12. अब वो पावरें बन चुकी हैं. 2 की 6 वैसी की वैसी आ जाएगी नीचे. ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1. और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इधर लगाएंगे, उसकी पावर 4. 2 की पावर 6 वैसे का वैसे नीचे आ गया और 1 की पावर अगर कुछ भी हो तो 1 ही आता है और 1 की पावर 4 तो भी 1 ही आएगा. 1 प्लस 1 2. अब जब मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है. 6 प्लस इसकी पावर कितनी, अगर कुछ ना हो तो पावर 1 होती है. प्लस 1 2 की पावर 7. अब 2 की पावर 7 कितनी होती है, 128. ये हमारे पास इस सवाल का आंसर है. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 हल करेंगे. क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे हल करना है. अब हम हमारे पास जो ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू इस ये होती है, ये आप देख सकते हैं, ये वैल्यू इस वैल्यू के बिल्कुल बराबर है, एक जैसी है. और
इस वजह से इस वैल्यू की जगह हम इधर ओमेगा भी लगा सकते हैं, और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। आप देख सकते हैं इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है, बिल्कुल ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल ओमेगा स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू भी आ रही है। अब ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी, इधर क्या है, एक है, नाइन वन सा नाइन और नाइन टू सा एटीन। अब ओमेगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वन। अब हमने इधर ओमेगा क्यूब लाना है, नाइन थ्री थ्री सा नाइन आ जाता है और थ्री सिक्स हजार एटीन आ जाता है। ओमेगा क्यूब की जगह हम एक लगा सकते हैं और इधर भी ओमेगा क्यूब की जगह एक हम लगाएंगे। एक की पावर जितनी भी हो आता है एक ही है, वन प्लस और वन की सिक्स भी वन ही होगी, वन प्लस वन कितना आ जाता है टू, और ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर टू के पहले चार पार्ट पिछली वीडियो में मेरा दोस्त अबू बकर करा चुका है, इसलिए मैंने वो पार्ट नहीं कराए, इससे अगले पांचवा और छठा मैंने करा दिया है। अगले दोनों पार्ट सेम है, आप लोग कर लेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।